yet again urge the government of Bangladesh to take strong measures to ensure the safety of Hindus and to take action against extremist elements. बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हिंदू समुदाय पर जारी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश के किसी न किसी कोने से उनके साथ हिंसा की खबर आ ही जाती है। बुधवार को देश के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव से भी एक ऐसी ही खबर आई, जहां इस्कॉन मंदिर पर टिप्पणी के बाद हिंसा भड़क उठी। हिंसा को रोकने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में सेना के नेतृत्व में संयुक्त बलों ने बुधवार को गश्त की। सेना के आने के बाद शहर में तनावपूर्ण शांति है। जानकारी के मुताबिक एक मुस्लिम दुकानदार ने इस्कॉन के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। वहीं हिंदुओं पर दोबारा हुए हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत ने ढाका से चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और देश के हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये तनाव सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का परिणाम था। जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश सरकार से ऐसे चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करता है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की गूंज अमेरिका तक भी पहुंच गई है। ढाका में हिंदुओं पर दोबारा शुरू हुए हमलों के बाद भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी विदेश विभाग से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संपत्तियों के साथ ही मंदिरों में तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई है। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान उसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही है। विदेश विभाग ने कृष्णमूर्ति को बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में सोमवार को जानकारी दी। आपको बता दें कि हजारी गली में मुख्य रूप से हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, जो आभूषणों की दुकानों और थोक दवा की दुकानों के मालिक हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस्कॉन पर की गई इस टिप्पणी को लेकर रात भर संक्षिप्त झड़प हुई। इस दौरान मौके पर पहुंची सेना, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश के अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज करने से कई लोग घायल हो गए। इस दौरान हजारी गली इलाके में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यहाँ सेना के जवान पुलिस के साथ जीप में गश्त कर रहे हैं।